छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के सुप्रीमो अजीत जोगी बलौदाबाजार जिला के पहनता ग्राम पहुंचकर पहदादाई में चल रहे 5 दिवसीय मेले में शामिल हुए, जहां आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जोगी ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा किया गया सभी चुनावी वादा पूरा नहीं हुआ। भाजपा ने चुनाव में वादा किया था कि किसानों की धान का 2100 रुपए समर्थन मूल्य देंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया और किसानों को ठगा। जोगी ने वादा करते हुए कहा कि वे बिलासपुर जाकर 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखकर जनता के पास पहुंचा रहे हैं कि धान के 2500 रुपए समर्थन मूल्य देंगे। इस तरह के कई वादे जोगी ने किए और जनता से कहा कि अगर वह अपने वादे से मुकरते हैं तो कोई भी उनके खिलाफ FIR करा सकता है। माहौल बन गया है, लोग परिवर्तन चाहते हैं। दिल्ली से चलने वाली सरकार, ये दोनों पार्टी कांग्रेस और भाजपा की सरकार दिल्ली से चलती है। हम लोग दिल्ली से चलने वाली सरकार नहीं चाहते। छत्तीसगढ़ से जो सरकार चले, छत्तीसगढ़ियों के पक्ष में फैसले करे, छत्तीसगढ़ के बारे में सोचे। छत्तीसगढ़ इतनी अमीर धरती है, यहाँ के गरीब लोगों को गरीब न रहना पड़े, ये इंतजाम करे, ऐसी पार्टी चाहते हैं। बिलाईगढ़ से करण साहू की रिपोर्ट।